नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आपका सदा भला हो। भगवान को मंदिरों से ज्यादा मनुष्य के हृदय प्रिय होते हैं, क्योंकि मंदिरों में तो इंसान की मर्जी चलती है, लेकिन हृदय में भगवान का वास होता है। आगे मैं आपको एक छोटी लेकिन बहुत ही गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। उसकी वेतन कम हो गई थी, उसने कर्जे ले रखे थे, उन्हें वो चुका नहीं पा रहा था और उसकी जिंदगी एक तरीके से पूरी तरह से तनाव से घिरी हुई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो भगवान पर यकीन नहीं करता था, पूजा पाठ में भी उसकी कभी आस्था नहीं रही। जब उसकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई तब उसने अपने दोस्तों से सलाह मांगनी शुरू कर दी। एक दोस्त ने उसे सलाह दिया, भाई तुम बुरा मत मानना, तुम भगवान पर यकीन नहीं करते हो, पर मेरी सलाह मानो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो, इससे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा, सकारात्मकता आएगी। उस व्यक्ति ने यह बात सुनकर पहले तो टाल दिया और सोचा कि इंसान का कर्म ही सब कुछ करता है, भगवान थोड़े ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन घर जाकर वो अपने हालातों पर विचार करने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर चीज उसके खिलाफ जा रही है। उसने सोचा, पूजा करने में क्या ही बुराई है, कोशिश करके देखता हूँ। अगले दिन वो बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति खरीद कर ले आया। उसने मूर्ति को विधिवत स्थापित किया और पूजा शुरू कर दी। दिन बीतते गए, एक महीने, दो महीने, फिर तीन महीने, छह महीने और आखिरकार एक साल वो मन से प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। पूजा करते करते कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता था, फिर भी अगले दिन थोड़ी नाराजगी के साथ ही सही फिर से वो पूजा करने बैठ जाता है। दो साल तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके हालात नहीं बदले। अंततः वो एक और दोस्त के पास गया जिसने उसे सलाह दी, तू श्री कृष्ण की पूजा छोड़ दे और काली माँ की पूजा शुरू कर दे, देख कैसे बदलाव आते हैं। इस सलाह को वो मानते हुए बाजार से एक काली माँ की मूर्ति खरीद लाया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उसने अलमारी में रख दिया और काली माँ की पूजा करने लग गया। कई महीनों तक काली माँ की पूजा करने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो और भी परेशान हो गया। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि जब वो काली माँ को धूप बत्ती दिखाता है तो उसका धुआं ऊपर जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति तक भी पहुंचता होगा, शायद उन्हें इससे दिक्कत हो रही होगी, उसने सोचा। फिर उसने ये तय किया कि वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह कपड़े से ढक देगा ताकि धुआं उन तक ना पहुंचे। उसने अपने बच्चे को आवाज दी, सीढ़ी और कपड़ा मंगवाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास चढ़ा। जैसे वो मूर्ति का मुंह ढकने ही वाला था, अचानक भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो डर गया और चौंक कर बोला, भगवान आप प्रकट हो गए, इतने समय से पूजा कर रहा था, आप कभी नहीं आए, आज अचानक कैसे प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, आज तुमने पहली बार ये माना है कि मैं हूं, पहले तुम केवल मूर्ति की पूजा कर रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ये महसूस हुआ कि मैं सच में हूं और धुआं मुझे परेशान कर सकता है। जैसे ही तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ, मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए। दोस्तों ये छोटी सी कहानी एक बड़ा संदेश देती है। दोस्तों जब तक हमारे अंदर सच्चा भाव और विश्वास नहीं जागता, तब तक भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। मूर्ति की पूजा से कुछ नहीं होगा जब तक हमारा दिल भगवान की सच्ची भक्ति से भरा ना हो। इसलिए तो कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान आपके भाव से बंधे होते हैं और जब आपकी भावना सच्ची होती है तो भगवान अवश्य ही आपकी मदद करते हैं। दोस्तों जब भी जीवन में पांडवों जैसा संकट आएगा तो याद रखिए, आपके हिस्से में भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी भी अवश्य आएगा। एक बार की बात है, जंगल में एक संत अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। वो कई सालों से तपस्या और आराधना में लीन थे, प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे लेकिन अभी तक उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हुए थे। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आ गया। जंगल उसके लिए नया था और उसने सुना था कि इस जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं। शिकार की तलाश में घूमते हुए उसे संत की कुटिया दिखाई दी। उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया और विनम्रता से पूछा, क्या मुझे थोड़ा भोजन और पानी मिल सकता है। अंदर से बाबा जी निकले और पूछे, भैया तुम कौन हो। शिकारी ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं एक शिकारी हूँ, शिकार करने आया हूँ। किसी ने बताया है कि यह घना जंगल है और यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। शिकारी ने फिर से संत से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने हंसते हुए कहा,
मैं भी तुम्हारे ही तरह एक शिकारी हूं, लेकिन मेरे शिकार का इंतजार बहुत सालों से कर रहा हूं। शिकारी ने आश्चर्य से पूछा, आपका शिकार कैसा दिखता है? मैं बड़े बड़े जानवर पकड़ चुका हूं, आपकी भी मदद कर सकता हूं। बाबा जी ने कुछ पलों के लिए सोचा और बोले, मेरा शिकार सांवला है, सिर पर मोर मुकुट पहनता है और बांसुरी भी बजाता है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। बहुत समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये सुनते ही बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। शिकारी भी भावुक हो गया और बोला, बाबा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आपका शिकार पकड़कर नहीं लाता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। शिकारी ने तुरंत अपने जाल को घने जंगल में फैलाया और एक बड़े पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। वो सांवले सलोने प्रभु का इंतजार करने लगा। जैसे ही प्रभु आए उन्हें पकड़ने का मन बना लिया। दिन बीत गए लेकिन शिकार नहीं आया। 4 दिन तक भूखा प्यासा वो शिकारी बस इसी आस में बैठा रहा। 4थे दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, ठीक वैसे ही जैसे बाबा जी ने उनका वर्णन किया था। वो धीरे धीरे चलते हुए शिकारी के जाल में आ फंसे। जैसे ही शिकारी की नींद टूटी उसने देखा कि उसका शिकार मिल गया है। वो खुशी से उछल पड़ा और जाल को कंधे पर रखकर तुरंत बाबा जी की कुटिया की ओर दौड़ा। बाबा जी का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, बाबा जी आपका शिकार मिल गया है। बाबा जी ने दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर निकले उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा पाया। बाबा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु मैं इतने वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ फिर भी मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन इस शिकारी को आपने तुरंत दर्शन दे दिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा इस शिकारी के भाव तुम्हारे भाव से अधिक गहरे और सच्चे थे, ये पूर्ण निष्ठा से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। जब तुम तपस्या करते थे तो तुम्हारा मन भटक जाता था, पर यह शिकारी पिछले 4 दिनों से बस मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था बिना किसी और विचार के, इसी की भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। बाबा जी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और उनकी माया को नमन किया। दोस्तों ये कहानी भले ही छोटी लगे पर इसका सार बहुत बड़ा है। पहली बात, अगर आपके दिल में संपूर्ण भक्ति और भाव है तो प्रभु आपको अवश्य दर्शन देंगे। और दूसरी बात, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो जब आप किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं और आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है तो वो चीज आपको अवश्य ही मिलती है। याद रखिए, मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद जब साथ होते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अच्छाई का कोई मोल ही नहीं बचा। हम कितना भी कोशिश करें, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते। एक सवाल हर किसी के मन में आता है, जब हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो हमें ही क्यों दुख मिलता है, और जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो क्यों मजे में रहते हैं, खुश रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे अच्छाई का जमाना ही खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आपके पास चुनने का मौका हो तो आप अपने जीवन में किसे अपना करीब रखना चाहेंगे? वो लोग जो आपके साथ अच्छाई करते हैं या वो जो आपके साथ बुराई करते हैं? जब आप किसी पर भरोसा करना चाहेंगे तो किस पर करेंगे और किससे प्रेम करेंगे? जवाब तो साफ है, आप उन लोगों को ही चुनेंगे जो आपके साथ अच्छे हैं, जो आपकी भलाई चाहते हैं। ये सच है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश करता है, मगर कभी कभी हमें ये भी लगता है कि इस दुनिया में सब उल्टा चल रहा है। बुरे लोग आराम से जिंदगी जी रहे हैं जबकि अच्छे लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये विचार कितना असहज करता है ना। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों जो शायद आपको ये समझने में मदद करेगी कि जो चीज़ें हमें गलत दिखती हैं उनके पीछे भी कोई गहरा कारण हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जिसकी 3 बेटियाँ थीं। वो औरत बहुत गरीबी और मुश्किलों से गुजरते हुए अपने बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। एक बार नारद मुनि धरती पर आए, उन्होंने देखा कि ये बूढ़ी औरत कैसे दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों की देखभाल कर रही है। नारद मुनि को उस औरत पर गर्व भी हुआ और दुख भी। वो सोच रहे थे कि इस वृद्धावस्था में भी ये महिला इतना संघर्ष कैसे कर रही है और इसके जीवन में इतनी परेशानियां हैं। कुछ समय बाद नारद मुनि फिर से उस जगह से गुजरे, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी 3 बेटियां अनाथ हो चुकी थीं। ये देखकर नारद मुनि को बहुत दुख हुआ, उन्हें भगवान पर गुस्सा आ गया और वो सीधे भगवान के पास पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप इस दुनिया को सही से नहीं चला रहे हैं। जिन लोगों की इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है वो बहुत लंबी उम्र जीते हैं, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनकी जरूरत है, उन्हें आप इतनी जल्दी क्यों ले जाते हैं? अब इन 3 अनाथ बच्चियों का क्या होगा?
आपने इनका मात्र एक सहारा भी छीन लिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम एक बार फिर से धरती पर जाओ और देखो कि क्या हुआ। नारद मुनि ने भगवान की बात मानी और फिर से धरती पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वो तीनों बच्चियां अब अनाथ नहीं रहीं। दरअसल एक दिन वहां से रानी का काफिला गुजर रहा था और जब रानी ने उन बच्चियों को रोते हुए देखा तो उनका दिल पिघल गया। उसने उन तीन बच्चियों को गोद ले लिया और अब वे राजकुमारियां बन चुकी हैं। ये देखकर नारद मुनि को समझ में आ गया कि भगवान ने जो किया है उसके पीछे एक बड़ी योजना थी। जो हमें गलत लग रहा था वो दरअसल उन बच्चियों के लिए बेहतर भविष्य की ओर एक कदम था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कई बार जो चीज़ें हमें हमारे जीवन में गलत लगती हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो। एक और कहानी सुनिए। एक दिन एक भक्त भगवान के मंदिर में गया। उसने भगवान से कहा, भगवान आप तो दिन रात यही मंदिर में खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे, आज आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। भगवान ने उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी यहाँ अपनी शिकायत लेकर आए ना तुम बीच में कुछ मत बोलना, जो भी हो चुप रहना। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान मैं कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी मंदिर में आया। उसने भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की और गलती से उसका पर्स वहीं गिर गया। भक्त ने सोचा कि उसे आवाज़ लगाकर उसका पर्स लौटा दूं, लेकिन फिर उसे भगवान की बात याद आ गई। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद एक गरीब व्यक्ति मंदिर में आया। उसने देखा कि वहाँ एक पर्स पड़ा है। उसने वो पर्स उठा लिया और चला गया। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक नाविक आया। उसने भगवान से आशीर्वाद मांगा कि उसकी यात्रा सफल हो। तभी वो व्यापारी वापस आया और उसने देखा कि उसका पर्स गायब है। उसने आरोप लगाया कि नाविक ने उसका पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को पकड़ने लगी और तब भक्त से रहा नहीं गया। उसने सच्चाई बता दी कि पर्स नाविक ने नहीं बल्कि उस गरीब आदमी ने उठाया था। शाम को जब भगवान लौटे तो भक्त ने गर्व से कहा, भगवान मैंने आज सब कुछ ठीक कर दिया है, मैंने न्याय किया है। भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे तूने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। उस व्यापारी का पर्स खो जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गलत धंधे करता था, लेकिन वो गरीब व्यक्ति जो अभी नहीं जुटा पा रहा था उसे अगर वो पर्स मिल जाता तो उसकी भूख मिट जाती ना। और उस नाविक को तूने बचा लिया, लेकिन उसे बचाना नहीं था क्योंकि उसकी यात्रा में तूफान आने वाला था और उसकी मौत हो जाती। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर परिस्थिति को अपनी सीमित समझ से नहीं देखना चाहिए। जो हमें गलत लगता है उसके पीछे भी भगवान की एक योजना होती है जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पति पत्नी नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे। अचानक नदी में भयंकर तूफान आ गया। पत्नी घबरा कर बोली, नाव डूबने वाली है, कुछ करो। पति ने शांत रहकर अपनी तलवार उठाई और पत्नी की गर्दन पर रख दी। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पति ने हंसते हुए कहा, जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता, वैसे ही मुझे भगवान पर भरोसा है कि वो मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। चाहे हालात जैसे भी हों, भगवान हमें मुश्किल से बाहर निकाल ही लेंगे। दोस्तों, यही भरोसा हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, भगवान हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा ही सोच रहे होते हैं। हमें सिर्फ उनके ऊपर विश्वास रखना होता है और अपनी जिंदगी में धैर्य रखना है। कहते हैं, बात ये नहीं होती कि आपके जीवन में सुख है या दुख, असली बात तो ये है कि आपके दिल में शांति और सुकून है या नहीं। अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो आपके दिल में शांति और संतोष हमेशा बना रहेगा, चाहे दुनिया कैसी भी हो। तो जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो दोस्तों घबराइए मत, याद रखिए भगवान हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है। दोस्तों, महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु से हमने जो सबसे महत्वपूर्ण सीख पाई है वो ये है कि कठिनाइयों का सामना हिम्मत और साहस के साथ किया जाना चाहिए। हम जीवन में कितनी भी चुनौतियों से घिरे हों, हिम्मत से हारने की अनुमति है, लेकिन हिम्मत को हारने देना कभी भी सही नहीं है। अभिमन्यु के बारे में हम सभी ने सुना है कि उनकी वीरता, रणकौशल
और निडरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। अभिमन्यु की लड़ाई महाभारत के युद्ध में एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। छल और धोखे का सहारा लेकर कौरवों ने उस महान योद्धा का वध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अभिमन्यु को रोका नहीं गया तो उनके हारने का समय करीब था। तो आज हम इसी बहादुर योद्धा की कहानी से हम सीखेंगे कि जीवन में कैसे परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और अभिमन्यु से कौन कौन सी 5 महत्वपूर्ण सीखें हमें मिलती है। तो दोस्तों आइए आज हम आपको अभिमन्यु की कहानी से रूबरू कराते हैं। अभिमन्यु महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। जिस तरह से अर्जुन अपने धनुर्विद्या में निपुण थे, उसी प्रकार अभिमन्यु ने भी अपने पिता से यह कला सीखी थी। एक योद्धा बनने की उनकी यात्रा बहुत छोटे उम्र से ही शुरू हो गई थी और मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे युद्ध कौशल हासिल कर लिए थे जिनके कारण वो महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम थे। अब आइए अभिमन्यु से जुड़ी 2 प्रसिद्ध कहानियों की बात करते हैं। पहली कथा के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सिखा रहे थे। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने वो सारा ज्ञान सुना, लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं सिखाई। इस अधूरे ज्ञान के कारण अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाने की विधि पता थी, लेकिन बाहर निकलने का तरीका उन्हें मालूम नहीं था। इसी कारण वो उस रणभूमि में फंस गए जहां से वो बाहर निकल ही नहीं पाए। दूसरी कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और रणकला पर चर्चा करते थे। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ चक्रव्यूह की योजना पर बात कर रहे थे और गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने भी इसे सुना। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आए और अर्जुन को अपने साथ ले गए, जिससे ये चर्चा का वो हिस्सा अधूरा रह गया जिसमें चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताया जाना था। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह जानबूझकर किया था क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे और उन्हें यह वरदान मिला था कि उनका पुत्र 16 वर्ष की आयु में पृथ्वी से वापस बुला लिया जाएगा। यह कथा भी अभिमन्यु के जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई एक प्रमुख कहानी है। अब आइए अभिमन्यु की जिंदगी से मिलने वाली 5 महत्वपूर्ण सीखों पर ध्यान देते हैं जो हमारे जीवन में भी बहुत काम आ सकती है। पहली सीख, निडरता और साहस। अभिमन्यु की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीख हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें कभी डरना नहीं चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, निडरता से सामना करने पर ही हम असल जीत हासिल कर सकते हैं। अभिमन्यु का जीवन और उनकी वीरता इस बात का साक्षात उदाहरण है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन को रणभूमि के दूसरे छोर पर भेजा गया, तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान केवल अर्जुन के पास था, लेकिन वो उस समय उपस्थित नहीं थे। युधिष्ठिर और अन्य पांडव चिंता में थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अब क्या किया जाए। उसी समय अभिमन्यु आगे आए और बोले, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। युधिष्ठिर और अन्य पांडव थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह तोड़ना आता था, बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। लेकिन अभिमन्यु की निडरता और आत्मविश्वास ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने बिना किसी डर के ये जिम्मेदारी ली और रणभूमि में कौरवों का सामना किया। उनकी ये निडरता हमें ये सिखाती है कि हमें भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना निडर होकर करना चाहिए। दूसरी सीख, काम को अधूरा ना छोड़ें। अभिमन्यु से दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमें अपने काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अभिमन्यु ने रणभूमि में अपने आखिरी पल तक लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने हिस्से का काम पूरा किया, चाहे उसमें कितना भी जोखिम क्यों ना हो। अभिमन्यु ने ना केवल चक्रव्यूह तोड़ा बल्कि कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी मार गिराया। जब कौरवों को यह महसूस हुआ कि वे अभिमन्यु को अकेला नहीं हरा सकते, तब उन्होंने उसे छल से घेर लिया और एक साथ हमला किया। फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उनका ये साहस और संकल्प हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ पूरा करना चाहिए। तीसरी सीख, ज्ञान हमेशा ग्रहण करें। अभिमन्यु से तीसरी बड़ी सीख ये है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है और हमें उसे ग्रहण करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीख ली थी। ये हमें ये सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई सही समय। हमें हर अवसर को एक नई सीख के रूप में लेना चाहिए। जीवन में हमें सतर्क रहना चाहिए और हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी जानकारियां ही बड़े बड़े निर्णय लेने में मदद कर सकती है। चौथी सीख,
अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अभिमन्यु की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका पता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका उन्हें मालूम नहीं था। इसी अधूरे ज्ञान के कारण वो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए और कौरवों के छल का शिकार हो गए। यदि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि पता होती तो शायद वो इस जाल से बाहर आ सकते थे। ये हमें यह समझाता है कि जीवन में हमें कभी भी कार्य को अधूरे ज्ञान के साथ नहीं करना चाहिए। हर चीज को पूरी तरह से समझना और सीखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकल सके। अधूरी जानकारी से लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। पांचवी और अंतिम सीख, कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। अभिमन्यु की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी सीख ये है कि जीवन में हमारा काम कर्म करना है, ना कि फल की चिंता करना है। उन्होंने चक्रव्यूह में जाने का साहस दिखाया क्योंकि वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए, लेकिन उस कदम का परिणाम क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फल पर हमारा अधिकार नहीं होता, लेकिन कर्म पर हमारा अधिकार होता है। अभिमन्यु का जीवन इस बात का उदाहरण है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अभिमन्यु की ये पांच सीखें हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने, अपने कार्यों को पूरा करने, ज्ञान को ग्रहण करने और अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। उनके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, अगर हम अपने साहस, ज्ञान और कर्म के साथ डटे रहते हैं तो हम निश्चित ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमारी सारी हिम्मत टूटने लगती है। हम खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं और समस्याओं में हम इस कदर उलझ जाते हैं कि निकलना नामुमकिन सा लगता है। चाहे कितना भी कोशिश कर लें, लाख मेहनत कर लें, फिर भी अपने दुखों से उभर नहीं पाते। उस समय हमें समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें हमारे साथ हो रहा है। हमें इस बात की कोई वजह समझ में नहीं आती कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ गई हैं। कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती, दिल और दिमाग दोनों मायूस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आए और हमारी इस तकलीफ को खत्म कर दे, कोई हमारी उलझनों से हमें बाहर निकाल दे। कहते हैं ना दोस्तों, जब हमें बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखता तब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा लगता है। तो हमें अपनी नजरें अंदर की ओर मोड़नी चाहिए, अपने भीतर झांके, अपने दिल की गहराइयों में जाएं और दिल से परमात्मा को पुकारें, अपने आप को समझें, खुद से जुड़ें और दिल से प्रार्थना करें। दोस्तों, जो प्रार्थना दिल से की जाती है उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। भले ही हम इसे माने या ना माने, लेकिन दुनिया में अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपनी दुआओं के असर को महसूस किया है। उन्होंने देखा है कि कैसे उनकी प्रार्थनाओं ने चमत्कार किए हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बेटा बीमार माँ के लिए दवाई लेने दुकान पर गया। उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी दवाई लेना चाहता था, लेकिन दुकान वाला अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, शतरंज खेल रहा था। वो खेल में इतना डूबा हुआ था कि जब लड़के ने दवाई मांगी तो उसे गुस्सा आ गया और बिना सोचे समझे उसने जो दवाई हाथ में आई उसे दे दी। कुछ समय बाद जब खेल खत्म हुआ तो उस दवाई वाले को एहसास हुआ कि उसने गलत दवाई दे दी है। वो डर से कांपने लगा क्योंकि वो दवाई जानलेवा हो सकती थी। अब उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने अपने सारे काम छोड़ दिए और सीधे परमात्मा से प्रार्थना करने बैठ गया। उसने दिल से भगवान से गुहार लगाई कि किसी भी तरह वो दवाई उस लड़के की माँ तक ना पहुँचे। दोस्तों, उसकी सच्ची प्रार्थना का असर ये हुआ कि जब वो लड़का अपने घर पहुँचने वाला था तो सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके हाथों से दवाई की बोतल गिरकर टूट गई। जब लड़का फिर से दुकान पर आया और नई दवाई मांगी तो दवाई वाला हक्का बक्का रह गया। उसने सही दवाई दी और पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ये दवाई अपनी माँ को दे दो, वो ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ये घटना साबित करती है कि जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा हमारी बात अवश्य ही सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। जब इंसान की ताकत जवाब दे जाती है तब जाकर प्रार्थना ही काम आती है। दोस्तों, एक और घटना सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक कछुआ नदी से बाहर आ रहा था और इसकी पीठ पर एक बिच्छू बैठा हुआ था। कछुए की पीठ पर सवार होकर वो धीरे धीरे कहीं जा रहा था। बुजुर्ग ने सोचा कि बिच्छू शायद किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो कछुए के पीछे चल दिए। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक नौजवान पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है। उसे आसपास का कुछ होश नहीं था। वहीं पास में एक जहरीला सांप उस युवक को डसने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन तभी बिच्छू ने उस सांप को डंक मार दिया जिससे सांप बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब युवक की आंखें खुली
तो बुजुर्ग ने उसे सारी घटनाएं बताई। उसे यह सुनकर यकीन नहीं हुआ कि कैसे कछुआ और बिच्छू ने मिलकर उसकी जान बचाई। दोस्तों, ये घटना भी यही बताती है कि जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा अवश्य ही करते हैं। दोस्तों, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, जब हर रास्ता बंद लगता है, तब भी अगर हम दिल से पुकारते हैं तो परमात्मा हमें नई राह दिखा ही देते हैं। जब अपने लोग हमें छोड़ देते हैं तब कोई अजनबी आकर हमारा हाथ थाम लेता है। कुछ लोग इन बातों को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन यह तय है कि हमारी भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस पर हम विश्वास करते हैं उसका असर हम पर अवश्य ही होता है। अगर हम किसी डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसकी दवाई कभी भी हमें ठीक नहीं कर पाएगी, और अगर हमें यकीन होगा कि ये डॉक्टर हमें ठीक कर सकता है तो उसकी दी हुई दवा असर करेगी। यही बात प्रार्थना के साथ भी है। अगर आप इसे मानते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं अवश्य ही असर करेंगी, और अगर आप नहीं मानते हैं तो इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे इतना अवश्य कहूंगा दोस्तों कि इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं जिन्होंने दुआओं और प्रार्थनाओं का चमत्कार देखा है। उन्होंने पाया है कि जब उनकी खुद की कोशिशें नाकाम होती हैं, उनकी प्रार्थनाओं ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। दुनिया में दोस्ती और रिश्ते दोनों जरूरी हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें अकेले रहने की कला भी सिखा देता है। भरोसा किसी की सच्चाई पर शुरू होता है और उसी सच्चाई से खत्म भी हो जाता है। थोड़ा वक्त पर भी भरोसा कीजिए, ये सही समय पर चेहरों को बेनकाब कर देता है। दोस्तों, जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है अकेले रहने की कला। ज्ञान का अभाव कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना रखना अवश्य ही शर्म की बात है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे कठिन पल वो नहीं होता जब कोई हमें समझ नहीं पाता, बल्कि तब होता है जब हम खुद को ही नहीं समझ पाते। दुनिया में मतलब का वजन बहुत भारी होता है। जब उसका मतलब निकल जाता है तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं। सच हमेशा उस इंसान के दिल में बसा होता है जो खामोश रहता है, और झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं। दोस्तों, एक पल का ये जोश और जवानी हमें बुढ़ापा की तैयारी से दूर ना कर दे, ये ध्यान रखें। दिल हर किसी से नहीं मिलता, पर जुबान हमेशा मीठी और प्यारी होनी चाहिए। जब किस्मत साथ ना दे तो मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी साथी बन जाती है। जिंदगी में कई दर्द होते हैं जिन्हें हम केवल सरदर्द का नाम दे देते हैं। समय रहते खुद को बेहतर बनाइए, वरना जो आपसे सीख रहे हैं वही आपसे आगे निकल जाएंगे। दूसरों का मान रखें और उनका सम्मान करें। अगर वक्त एक सा रहता तो अपनों की पहचान कभी हो ही नहीं पाती। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर बाजी पलटने का दम रखते हैं। रात को रोकर सो जाना और सुबह किसी को कुछ महसूस ना होने देना, ये हुनर जिंदगी सिखा देती है। अगर आपके घर में तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान भूखे नहीं जा रहे हैं, जरूरतमंदों को मदद मिल रही है, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। माता पिता, गुरु, पत्नी का कभी भी अपमान ना करें। वक्त सबसे बड़ा साथी है, पर जब खराब होता है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। ये दुनिया मतलबी है दोस्तों, यहाँ किसी से हमेशा की उम्मीद मत रखिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीखें। धन किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर औकात कभी नहीं। सच्चा आनंद वही मिलता है जहाँ मन मिलता है, धन में नहीं। बड़े बनकर हर बात को याद रखना जरूरी नहीं है, कभी छोटे बनकर बातें भूलना भी तो सीखिए। खुद से वादा कीजिए कि आप इतने मजबूत बनेंगे कि दुनिया की कोई चीज आपकी शांति को भंग नहीं कर सकेगी। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर काबू पा लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, इसलिए चिंता उतनी ही करें जितनी जरूरी हो, वरना जिंदगी तमाम हो जाएगी। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे मजबूत होते हैं। जो लोग आपके साथ छल करते हैं उनसे डरिए। गलतियां वहीं होती है जहां आप जानबूझकर सही और गलत में से गलत का चुनाव करते हैं। जो आपका नहीं है उस पर हक ना जताएं, और जो आपके दर्द को नहीं समझ सकता उसे अपना दुख मत बताइए। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें मान लेना संस्कृति, और उन्हें सुधार लेना प्रगति है। रिश्ते कभी कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। जो इंसान सबकी खुशी की परवाह करता है वही अक्सर अकेला रह जाता है। सफलता पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी बात है। दिल से कही गई 100 बातें शायद किसी को दिखाई ना दें, लेकिन गुस्से में कहे गए एक शब्द से
रिश्ता टूट जाता है। मिसाल कायम करने के लिए रास्ता खुद बनाना पड़ता है। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों तरफ से भागीदारी हो। वक्त भी अपनी कीमत सही समय पर समझा ही देता है। दुआओं में याद करने का जमाना अब गया, लोग अब चुगलियां करके ही याद करते हैं। कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों को छोड़ना भी पड़ता है। जब हम सबके पीछे भागते हैं तो खुद को पीछे छोड़ देते हैं। वक्त ने अच्छे अच्छों को बदलते हुए देखा है। लड़ने की ताकत सब में होती है, पर किसी को जीत चाहिए होती है और किसी को रिश्ते। दोस्तों, अगर आप मुस्कुराने के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते तो आंसुओं के लिए शिकायत का हक भी मत रखिए। दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाले लोगों की कोई दवा नहीं होती। अगर कोई आपका सम्मान कर रहा है और चुप है तो उसे कायर मत समझिए। जिंदगी में जितने आप ईमानदार हैं और सच्चे और सरल बनते जाएंगे, उतने ही ज्यादा धोखे और ठगे जाएंगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दीजिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही समझदारी है। जिंदगी छोटी होती है पर लोग जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। जब पैसा नहीं होता तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और जब पैसा होता है तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। इस दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं है और संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। सच्चाई से ही भगवान की प्राप्ति होती है और सत्य से ही सुखों का मूल निकलता है। रिश्ते बनाकर क्या ही कर लेंगे जब सामने वाले का इरादा ही निभाने का ना हो। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होते लेकिन आपकी बहुत फिक्र करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे वैसे ही खुश रहने दीजिए, और अपनी आत्मसम्मान को कभी भी दाव पर मत लगाए। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा वो भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।